हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम उपाध्याय एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। उम्मीद है आप सभी लोग पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन वो अच्छे से बना रहे होंगे और फॉर्मूलाज को अपनी एक शीट पे लिख रहे होंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है, पीजीटी के बारे में ही है पर थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि पीजीटी क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि हम एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्या एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आप बने रहिए हमारे साथ। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और एक बार चैनल को विजिट कीजिए। क्या क्या कंटेंट इसमें है, क्या क्या आपके लिए यूज़फुल है आप देख सकते हैं। जो भी आपके लिए यूजफुल होगा वो देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो पीजीटी के ऊपर ही है कि पीजीटी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द पीजीटी वैकेंसी। ओके, तो ये जो पीजीटी वैकेंसीज होती हैं बेसिकली ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं इंडिया में। ओके, तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग पीजीटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश का अलग होता है एंड राजस्थान या फिर बिहार, इन सब का अलग पीजीटी होता है। सब में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी पैटर्न आज डिस्कस करूंगा वो यूपी पीजीटी के लिए रहेगा। ओके, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो भी इनका बुलेटिन आता था प्रीवियस ईयर में, मैंने उसको ही पढ़ के ये वीडियो बनाया है। ओके, तो हो सकता है आने वाले बुलेटिन में कुछ चेंजेस हो जाएं। अगर कुछ चेंजेस हो जाएंगे तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम इससे देखते हैं कि पीजीटी है क्या। ओके, तो बेसिकली नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी एक स्कूल सब्जेक्ट में। ओके, तो स्कूल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपके पास 11th और 12th में जो सब्जेक्ट्स थे उन्हीं में आपको एक अपना जो पीजी है, जो मास्टर्स है, वो परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 11th में फिजिक्स से और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री इन सबसे किया है तो आप फिजिक्स में एमएससी कर सकते हैं और मैथमेटिक्स में एमएससी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सोशल साइंस में एमए कर सकते हैं और जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उनमें आप एमकॉम एंड एमएससी कर सकते हैं। ओके, तो ये कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं यूपी पीजीटी देने के लिए। इसमें बीएड, एमएड एंड पीएचडी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो केवल प्रीफर्ड में आता है। ओके, आप फॉर्म भर सकते हैं एमएससी और एमए और एमकॉम वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है, क्या एमटेक वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, एमटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो होता है या फिर कंप्यूटर साइंस जो होता है वो आपका स्कूल फिजिक्स में तो मतलब स्कूल साइंस में तो, स्कूल सब्जेक्ट में तो होता नहीं है, तो इसीलिए वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर उनको फॉर्म भरना होगा तो उनको भी एमएससी करना होगा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो पीजीटी टीचर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, वो कहाँ पढ़ाते हैं? ओके, तो देखते हैं कहाँ पढ़ाते हैं। बेसिकली ये कुछ एडेड स्कूल्स होते हैं इंडिया में और ये स्टेट में, उनमें ये पढ़ाते हैं। ओके, तो एडेड स्कूल्स क्या होते हैं? एडेड स्कूल्स में ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको यूपी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, अदर्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट फंड करती है। जो भी सैलरी आती है वो हमारी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आती है और जो भी नेसेसरी थिंग्स होती हैं वो भी यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग इसका जो सैलरी की बात करें तो सैलरी के लिए सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कितना सैलरी होगा कितना नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो ग्रेड पे होता है वो 4800 का होता है और इसमें जो बेसिक सैलरी बनता है वो 47,000 से स्टार्ट होता है और इसके साथ साथ जो एंडिंग सैलरी होता है वो 1,51,000 तक हो सकता है। ओके, 1,51,000 एंड 100 तक हो सकता है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग कैसे विजिट कर सकते हैं
इसकी वेबसाइट पे, तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट होता है जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन रिलीज होगा, जहाँ आप देख सकते हैं जाके इनका एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे रहेगा, उसके लिए एक अलग पोर्टल क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन आसानी से गेन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें किस फॉर्म में चलेंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ओके, तो अब देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसका जो मिनिमम एज लिमिट होता है वो 21 ईयर्स होता है, और इसी के साथ साथ नो मैक्सिमम एज लिमिट, इसमें कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होता है। अगर आप 60 साल के भी हैं तो भी आप UPPGT एग्ज़ाम दे सकते हैं और एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये पहले ही बताया था कि आप पोस्ट ग्रेजुएटेड होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में। ओके, तो स्कूल सब्जेक्ट को मैंने अपनी तरफ से लगाया है, बाकी उन्होंने एक सब्जेक्ट दे रखा है। स्कूल सब्जेक्ट लिखने का रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अगर मैं डायरेक्टली एक सब्जेक्ट तो बोलेंगे कि MTech BTech में ये किया तो ये क्या हम PGT दे सकते हैं। नहीं, स्कूल सब्जेक्ट जो आपके पास स्कूल में सब्जेक्ट रहते हैं 11th 12th में, उन्हीं से आप कर सकते हो। ओके, तो ये था। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या इसके लिए BEd MEd एंड PhD ये सारी चीज़ें कंपलसरी हैं? नहीं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस हैं जो वहाँ पे हमें प्रीफर्ड की जाती हैं, कि अगर आप ने BEd कर रखा है, MEd कर रखा है, PhD कर रखा है, तो आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि मार्क्स का कैटेगराइजेशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म किस मोड में अवेलेबल होता है वो देखते हैं। ये ऑनलाइन मोड में रहता है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डायरेक्टली विजिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, और उसी वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, और पेमेंट भी आप वहीं से कर सकते हैं। पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में रहेगा, जो भी इनका रहता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उससे। और लास्ट टाइम इन्होंने 50 रुपीज़ एडिशनल चार्जेस लगाए थे ऑनलाइन पेमेंट पे। ओके, तो इस बार देखते हैं, आने दीजिए वैकेंसी, फुल डिटेल आपको मैं ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ओके, तो इसमें बेसिकली टू एग्ज़ाम्स रहते हैं। ओके, टू एग्ज़ाम इन द सेंस, अभी देखते हैं वन बाई वन। पहला जो होता है वो रिटेन एग्ज़ाम होता है। ओके, रिटेन एग्ज़ाम ए, मैंने इसको बोल दिया ए। ओके, तो ये क्या होता है, MCQ बेस्ड होता है। ओके, एंड इसी के साथ साथ इसमें जो हमें टाइम मिलता है वो 120 मिनट्स का मिलता है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 होते हैं, और टोटल मार्क्स 425 मार्क्स का होता है। ओके, 125 क्वेश्चन, 425 मार्क्स। ओके, तो जो वन क्वेश्चन होगा वो 3.44 मार्क्स का आएगा। और इसी में एक चीज़ हम और देखते हैं कि जो फॉर एडहॉक कैंडिडेट्स, इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, और आपको पढ़ाते पढ़ाते 4 साल या 10 साल या 6 साल, जितना ज़्यादा टाइम होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए आपको बोला जाएगा एडहॉक कैंडिडेट्स। एंड एक लाइन वहाँ लिखी है तदर्थ शिक्षक, तो एडहॉक कैंडिडेट्स का मतलब तदर्थ शिक्षक। ओके, तो तदर्थ शिक्षकों के लिए जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 390 मार्क्स होगा, एंड इसी के साथ साथ यहाँ इनका जो ईच क्वेश्चन होगा वो 3.12 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे इनको 35 मार्क्स दिए जाएंगे इनके टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो 390 एंड 35, 425, टोटल इनका भी 425 ही होगा। ओके, तो इस तरीके से इनके लिए मार्क्स का कैटेगराइजेशन हो गया। अभी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि एडहॉक कैंडिडेट्स वहाँ पे लिखा रहता है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश नहीं लिखा रहता ना, वहाँ तदर्थ शिक्षक लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आपने PG किया है, आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो आपको 425 मार्क्स का ही पेपर देना रहेगा। मार्क्स का कैलकुलेशन आपके लिए 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और इनके लिए जो क्वेश्चन होगा उसी पेपर में वो 3.12 मार्क्स का होगा। ओके, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ये आपके लिए होगा भी नहीं। जिन कैंडिडेट्स के लिए है वो मैंने बता दिया है, वो लोग समझ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे बड़ा बेनिफिट इस एग्जाम का यही है कि अगर आपको यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट भी है और लॉस भी है। लॉस कैसे है, लॉस ऐसे है, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप क्या करेंगे कि
बिना सोचे समझे क्वेश्चन को लगा देंगे, उस पे टाइम स्पेंड भी नहीं करेंगे, आपका दिमाग ठीक से काम भी नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से और सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खास तौर से न्यूमेरिकल्स को। अगर आप न्यूमेरिकल्स को जल्दीबाजी में सॉल्व करेंगे तो एरर्स आएंगी और एरर्स आपके रिजल्ट्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो 25 मार्क्स होते हैं वो उन कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं जिन्होंने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखा है। वो मैंने पहले बताया बीएड, एमएड एंड पीएचडी। ओके, और भी कुछ इसमें रहता है, एनसीसी, ये सब भी शायद रहता है। ओके, मैंने देखा था तो ये रहता है। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है उसमें इंटरव्यू होता है। ओके, तो इंटरव्यू में वही कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं जो पार्ट ए यानी कि रिटेन एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई करते हैं, उनका मार्क्स एक कट ऑफ से ऊपर आता है। तो जब कट ऑफ आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये जो इंटरव्यू होता है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है। ओके, इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं फाइनली हमारा जो मेरिट लिस्ट बनेगा, आपको कौन सा कॉलेज मिलना है, आपको आपका मन का पसंद कॉलेज मिलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इस टोटल मार्क्स से डिसाइड होता है। ओके, तो आप यहाँ देखिएगा 425 प्लस 25। ओके, 25 उन लोगों के लिए है जिन्होंने बीएड एंड एमएड कर रखा है, बाकी 50 मार्क्स का इंटरव्यू सभी के लिए होता है। तो ये टोटल जो आता है वो 500 आ जाता है। ओके, टोटल मार्क्स बनते हैं, इसी के अकॉर्डिंग जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं आपका कट ऑफ बन जाएगा। अब जो एमएससी वाले होते हैं उनको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास केवल ये 425 एंड 50 मार्क्स ही आपके हाथ में हैं, बाकी 25 आपके हाथ में नहीं है, इसीलिए इनका रोना नहीं रोते हुए इन पे ध्यान दीजिए और इन पे ध्यान दीजिए। इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इन पे ध्यान तो मनी भाई देते हैं। ओके, तो आप इस पे ध्यान दीजिए फिलहाल, इनकी तैयारी कीजिए। 425 अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उम्मीद कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपके 400 अबव आने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन श्योरिटी है और कोई भी एडिशनल और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझदार समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेबस एंड एक्सपेक्टेड पैटर्न। तो क्या सिलेबस रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड पैटर्न रहेगा, वो भी देख लेते हैं। अब सिलेबस इसमें क्या रहता है कि बेसिक टू एडवांस्ड रहता है। ओके, समझ लीजिए आपका जैसे 9th तो एक क्वेश्चन और 9th का भी होता है और 10th से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये रहेंगे। उसके बाद 11th 12th का पूरा सबसे ज़्यादा जो 70% पार्ट होता है 11th 12th से ही रहता है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके बीएससी लेवल से भी होते हैं, जो एडवांस्ड फिजिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या रहता है देखते हैं हम लोग कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। इसमें थ्योरी पार्ट रहता है वो 20 to 30% वेरी करता है, कभी कभी 20% 25% आ जाता है, कभी कभी 30% भी आ जाता है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो भी वेरी करते हैं, 50 to 65% तक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया तो आपको लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए, तभी आप करेक्ट कर देंगे बिना सॉल्व किए। नहीं तो सॉल्व करते रहिए और अपना 5 मिनट खराब कर दीजिए, तो ये नहीं करना है। साथ ही साथ लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप कीजिए लॉजिकल क्वेश्चन के लिए। तो 5 to 10% अगर हम 10% मान लेते हैं तो भी 10 to 12 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे इस एग्जाम में, जो लॉजिकल थिंकिंग से हम करेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक बार आप देखिए पेपर को, एनालाइज कीजिए कि कौन से क्वेश्चंस लॉजिकल थिंकिंग पे हैं। अगर आपने ये पहचानना स्टार्ट कर दिया तो एग्जाम जब आप देने जाएंगे, जब आप बैठेंगे तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप ये लॉजिकल क्वेश्चंस को, सारे 10 जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर देंगे। ओके, तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहता है वो है कि क्वेश्चन जो रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ओके, वो हम लोग कह देते हैं कि डिफिकल्ट था या फिर ऐसा था वैसा था, हाँ इतना कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस होंगे उन वो लेंथी होंगे। ओके, कैलकुलेशन जो कैलकुलेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, कैलकुलेटिव पार्ट हल्का
अच्छा खासा होगा, आपको 3 या 4 मिनट भी लग सकता है एक क्वेश्चन का कैलकुलेट करने में। ओके, तो इन क्वेश्चंस के लिए सबसे बढ़िया मेथड ये है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते हैं, बात ध्यान रखिएगा, कम से कम 20 to 25 क्वेश्चन ही रहते हैं जो कैलकुलेटिव रहते हैं। ओके, और इनमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4 से 5 मिनट लेने वाले होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस को जिनका आपको लगे कैलकुलेशन लेंदी है बाद में छोड़ के रख दीजिए। ओके, क्या करना है, एक सीट तो मिलता है ये वहाँ पे लिख लीजिएगा एक कॉर्नर पे, इन सारे क्वेश्चन को जो आपको बाद में देखना, अगर देख पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे क्या होगा आपका टाइम बच जाएगा और 125 क्वेश्चन में से आप कम से कम 110 क्वेश्चन को विजिट कर लेंगे, नहीं तो आप 125 क्वेश्चन विजिट ही नहीं कर पाएंगे अगर इन क्वेश्चन के कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे बुक्स की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दसियों बुक का PDF या फिर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ये सब डाउनलोड कर लेते हैं और पढ़ी रहती हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, तो इससे अच्छा है कि आप जो बुक है वो हमारी NCERT 11th एंड 12th जो 4 बुक आती हैं वो ले लेनी है और उनको पढ़ना है अच्छे से। इसी के साथ साथ एक अरिहंत की आती है शॉर्ट नोट्स के लिए हैंडबुक ऑफ फिजिक्स, वो भी ले लेना है, खरीद लीजिएगा, हार्ड कॉपी ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, बाकी सॉफ्ट कॉपी तो आजकल हर एक बुक की आराम से मिल जाती है। ओके, इसी के साथ साथ थोड़ा मैथमेटिक्स का पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, एंड एक लाइन मैंने पढ़ी थी, मैथमेटिक्स इज द हार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, तो ये बात ध्यान आपको ध्यान रखनी है, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप पढ़ लेंगे, हैंडबुक ऑफ फिजिक्स वो सॉरी हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स अरिहंत की आती है, वहाँ से देख लेंगे सीरीज वगैरह, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। ओके, तो आज का ये हमारा सेशन था, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, और उसमें हम लोग कुछ नई इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखेंगे कि क्या PGT से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू सो मच।